लेकिन अभी एक और बड़ी खबर आ गई है। मीटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे ने भी एक बयान दिया है। उद्धव ने कहा कि अभी नहीं मिले तो फिर कभी नहीं, मोदी पर हमला, हुकुमशाह जैसा देश चला रहे हैं, बीजेपी जरूरत के हिसाब से रंग बदल रही है, यह कहना उद्धव ठाकरे का। तो विपक्ष के तमाम नेताओं ने जो वहां पर जुटे थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर, बीजेपी पर कुछ इस अंदाज में हमला किया। तो आज की यह महाबैठक क्या कहती है, कुछ हमारे भी सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं अपने राजनीतिक मेहमानों के साथ। सवाल एक एक करके आपके सामने मैं रख रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी विरोधी सभी पार्टियां एक मंच पर आ गई हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल। और अगर एकता बनती है तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा, सीटों पर क्या कोई सहमति बन पाएगी? एकता में कामयाब हुए तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि जो ये लड़ाई है 2024 की उसमें चेहरा कौन होगा विपक्ष का, ये बार बार पूछा जा रहा है। विचारधाराएं अलग अलग तो कैसे बनाएंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये भी सवाल है कि क्या विचारधाराएं या फिर जो अपना अपना एजेंडा है अलग अलग पार्टियों का वो आड़े आ सकता है। ये जो कहा जाता है ना कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जाएगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो बनेगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। दीपक झा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदिल खान आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी हैं जेडीयू के प्रवक्ता, सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। जूही विश्वास हमारे साथ जुड़ गई हैं टीएमसी की नेता, और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी आर के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दीपक झा जी, पहला सवाल आपसे ही है। आपने सुना स्मृति ईरानी जी का बयान भी, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि आप लोगों ने एक तरीके से मान लिया है कि बीजेपी को अकेले नहीं हरा सकते। चलिए, तो स्मृति ईरानी जी भी मान रही हैं कि कांग्रेस अगर सभी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो भाजपा हार जाएगी। स्पष्ट हो गया ना उनके बयान से कि कांग्रेस अकेले नहीं हराएगी लेकिन सबके साथ जरूर हरा देगी। और दूसरी बात, बड़े मजे की बात, क्या बीजेपी की हार होगी या नरेंद्र मोदी की हार होगी या पूरे एनडीए की हार होगी? भाजपा ये प्रायोजित करने में लगी हुई है कि नरेंद्र मोदी अकेले चुनाव लड़ रहे। अरे भैया, आपने 29 दलों का गठबंधन किया था, याद है भाजपा वालों को? नहीं। और कहते हैं कि आप गठबंधन करने जा रहे हो। अरे आप ये देखिए, देश विरोधी कहने जा रहे हैं आपकी, जो देश विरोधी है, जो मोदी विरोधी है, वो एक साथ। मैं तो कहता हूं जो कांग्रेस विरोधी है वो मोदी के साथ जाके खड़े हो गए, और मोदी जी ने उनको क्या किया, भस्मासुर की जगह निकल गए। देखिए, शिवसेना ने कम से कम समझदारी का परिचय दिया, उनको पता लग गया कि मोदी जी उनको भी खत्म कर देंगे और लगभग खत्म करने की कगार पर आ गए थे, तो उद्धव ठाकरे जी अलग हो गए। उसी तरीके से आप पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में शिरोमणि दल अलग। तो आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी बातचीत का निचोड़ क्या निकालूं कि मतलब बीजेपी में घबराहट है? बीजेपी में घबराहट है इस गठबंधन से। अगर बीजेपी ने कुछ काम किया होता तो वो इस इन चीजों को, अगर उनके लिए इतना मुद्दा नहीं था, ठीक है, आपको जवाब देंगे। आप कहते हैं हमारा काम, बोलते हैं हम काम। आपको क्या इस गठबंधन से घबरा तो नहीं रहे विपक्षी एकता से? आपको लग रहा गठबंधन हो गया? आज उस बैठक से पहले आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का बयान था जिससे उसने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। मैंने नहीं कहा कि उनका बयान है, चलवा दीजिए आप कृपा करके, हमने दिखाया अभी हमने बयान, तो दिखता है कि किस प्रकार का है। और दूसरी बात, ये बेशक आपस में मिल रहे हैं, शक्ल दिखा रहे हैं, एक बैठक पर दूसरी बैठक का तय कर रहे हैं, परंतु उसमें एजेंडा निकल कर कोई नहीं आ रहा, सीटों का बंटवारे के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। हाँ, सिर्फ मोदी का विरोध करने इसलिए इकट्ठे हो जाएंगे, दिखाने की शक्ल दिखाने दिखा देंगे, परंतु मुझे एक बात मोटी मोटी बता दें, ममता बनर्जी क्या लेफ्ट के साथ समझौता करेंगी क्या? जो सागर डिगी का इनका विधायक था वो ममता बनर्जी जीतने के बाद, उसके जीतने के बाद उठा कर लेगी उसको अपने पास? कमाल तो अरे दोस्त, तो अच्छी बात नहीं, अरे आता दीपक जी, आपको बारी बारी से सभी मेहमानों के पास मुझे जाने दीजिए जल्दी से। तो क्या वो दिखता है क्या केरल के अंदर कांग्रेस, केरल के साथ लोग जाते हैं, इलू इलू करते हैं, आऊंगा, जवाब दीजिएगा ना दीपक जी, आप ही के और सहयोगी, उनके पास मुझे जाना है। हां जल्दी, तो दिखता है कि किस प्रकार से केरल के अंदर क्या कांग्रेस का समझौता होगा क्या, ये बता दें क्या, बीजेडी के साथ किसका समझौता होगा ये बता दें क्या, ठीक है। अभी आज सुबह केटीआर का, एक मिनट, साथ आप मुख्यमंत्री का पद बोले दीजिए ना जल्दी से, उसके साथ ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।